बैंकों की स्थिति के बारे में हम आपके समक्ष आते रहे हैं, मुद्दे उठाते रहे हैं। हर रोज नया एक बैंकिंग घोटाला सामने आता है। आरबीआई ने स्वयं माना है कि पिछले 4 साल में 23,000 बैंक लोन घोटाले हुए हैं, जिसका लगभग 1,00,000 करोड़ का धन है वो गायब हुआ है। ये आरबीआई ने कहा, बड़े डरते डरते कहा। इस सरकार में सब संस्थाएं बड़ी डरती डरती काम कर रही हैं। डर इसलिए नहीं कि कुछ गलत काम हो जाए, डर इसलिए है कि कहीं सच सामने ना आ जाए। मोदी जी को सत्य से बहुत नफरत है, अमित शाह को सत्य से बहुत नफरत है। जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं वो अपने स्थान पर हैं, उसके बावजूद बैंकों में घोटाले होते रहे। अभी निजी क्षेत्र का एक बैंक ICICI, उसमें एक और घोटाला सामने आया है, जिसमें एक ऐसी कंपनी में ICICI ने निवेश किया, 325 करोड़ रुपए निवेश किए, जिस कंपनी पर बहुत बड़ा NPA का वजन है। उससे पहले ICICI का जो वीडियोकॉन वाला घोटाला था, जिसमें ICICI बैंक वीडियोकॉन को लोन देता था, और वीडियोकॉन ICICI की CEO चंद्रा कोचर जी के पति की कंपनी में पैसे लगा रहा था, वो चल ही रहा है। अब एक और घोटाला आपके सामने आया, बहुत मीडिया कवरेज हुआ ICICI पर, आप लोगों ने बहुत ज्यादा इसके बारे में बात की। उसके बाद बहुत देर के बाद सेबी ने एक शोकॉस नोटिस दिया, कारण बताओ नोटिस दिया। उस देरी का भी कारण लोगों को समझ में नहीं आया। हम तो कहेंगे सेबी को भी हम कारण बताओ पूछ रहे हैं कि इतना देरी से क्यों आपने ये कारण बताओ नोटिस दिया, क्या दबाव था आप पर। इशारे में समझ में आता है, आज ही सरकार ने कहा हम ICICI के किसी भी मामले में दखल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे साहब? आपका अपना एक व्यक्ति नुमाइंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर बैठता है, LIC जिसके पास 9.4% हिस्सा है ICICI, उसका एक प्रतिनिधि बैठता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट की रक्षा कौन करेगा? 4 तरह की ऑडिट्स होने चाहिए हर बैंक के, भले वो निजी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक क्षेत्र में हो, और आप हाथ छिटक कर कहते हैं कि हम अब इसमें हम ध्यान नहीं देंगे, हम इसकी तरफ नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? स्टैट्यूटरी ऑडिट जो बैंक की बैलेंस शीट देखता है, इंटरनल ऑडिट आंतरिक ऑडिट जो बैंक का स्टाफ खुद करता है, कॉन्करेंट ऑडिट जो बैंक की ट्रांजैक्शंस को ऑडिट करता है, और एक RBI इंस्पेक्शन रही है। कभी इनकम टैक्स की बिल्डिंग में आग लग जाती है? आज तक यह नहीं सुना कि जहां किसानों की ऋण की फाइलें पड़ी हो वहां आग लगे। आग वहीं लगती है जहां मोदी जी के बड़े अच्छे घनिष्ठ दोस्त उद्योगपति दोस्तों की इनकम टैक्स की काले करतूतों की फाइल पड़ी होती, वहां आग लग जाती। और किसान की फाइल सबको याद रहती कि भाई आप पर इतना ऋण है, आप पर इतना ऋण है। आग भी बड़ी सोच समझ के लगती है। ऐसा लगता है नीरव मोदी जी की फाइलें आत्महत्या कर देती हैं जलकर। मोदी सरकार ने स्वयं माना है कि 230% NPA बढ़े हैं, तमाम बैंकों के NPA अगर हम निकाल लें पिछले 4 सालों में 230% बढ़े हैं। मार्च 2014 में 251,054 करोड़ था, 2,51,054 करोड़ इन मार्च 2014। दिसंबर 2017 में 8,31,141 करोड़ हो गया, 8,31,141 करोड़ दिसंबर 2017।
That's an increase of 5.8 lakh crore rupees under Mr. Modi's watch. ये लोकसभा में स्टार्ट क्वेश्चन के उत्तर में सरकार के आंकड़े हैं. बैड लोन्स जिनको हम कहते हैं वो 317% बढ़े हैं मोदी सरकार के अंदर. 2014-15 में 26,112 करोड़ थे, 26,112 करोड़. आज 2017-18 में 1,09,076 करोड़ हो गए. इसका जिम्मेदार कौन है? आपकी नीतियां हैं, आपकी जो एक आदत है आंख बंद कर लेने की वो है, या आपकी मिलीभगत है? इसका उत्तर आपको देना हो. जो नए नए एक्टिंग फाइनेंस मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, जिनके बारे में हमने कई बार चर्चा की है, रोचक चर्चा आपके सामने की है उनके विषय में, क्या वो उत्तर देंगे? उन्हें भी नहीं मालूम वो कब तक हैं इस कुर्सी पर, लेकिन जब तक हैं, 2019 के बाद तो ये कोई नहीं रहेंगे कुर्सी पर. हम 2019 के पहले की बात कर रहे हैं. ये उत्तर दें कि हर निजी क्षेत्र के बैंक के सीईओ को क्या ये पूछेंगे कि आपके या आपके किसी परिवार के सदस्य के ऐसे किसी उद्योगपति या उद्योगों के समूह के साथ कोई रिश्ते तो नहीं है जिसको आपने, आपके बैंक ने ऋण दिया हो? विल द एक्टिंग फाइनेंस